साथियों, आप सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आप सब सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही है। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है, दल से बड़ा देश है। जहां दल से बड़ा देश हो, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से बात करने के का मेरे लिए भी एक मंगल अवसर है। मैं भी बहुत उत्सुक हूं। मुझे नड्डा जी ने बताया कि मोदी जी आज भाषण तो बाद में, आज कुछ सवाल जवाब हो जाएं। मैंने भी बात को मान लिया। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी बहन जी वहां से जैसे भी आगे आज्ञा करेगी, मैं अपनी गाड़ी आगे चलाऊंगा। श्री राम पटेल, दमोह, मध्य प्रदेश। श्री राम पटेल, दमोह, मध्य प्रदेश। किस तरफ है? बताइए। आदरणीय मोदी, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं आपको, बताइए। आदरणीय मोदी जी प्रणाम। राम विधान, राम पटेल दमोह से टिकट का प्रभारी हूं। बूथ 171 दमोह से आपको प्रणाम करता हूं। आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं, आपने भी खुद मंडल स्तर पर तक कार्यकर्ता बन करके काम किया है, ऐसे में आप राजनीति के अतिरिक्त सामाजिक जुड़ाव को कैसे देखते हैं? आपसे पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। एक तो मुझे अच्छा लगा कि आप रोज की राजनीति की आपाधापी के बजाय किसी और दिशा में सवाल को लाए हैं। आप बैठिए, मेरा जवाब लंबा हो जाएगा। आप बैठिए आराम से। देखिए, जो एक बूथ होता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इकाई है। हमें कभी भी बूथ की इस इकाई को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने बूथ में राजनीतिक कार्यकर्ता से भी ऊपर उठकर समाज के लिए सुख दुख के साथी के रूप में अपनी पहचान बनानी चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जमीन का फीडबैक बहुत जरूरी होता है। जो बूथ के हमारे साथी हैं, वे इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री भी या मुख्यमंत्री भी अगर कोई सफल नीति बनाता है, तो मान लेना किसी न किसी बूथ के कार्यकर्ता के दी हुई जानकारी की ताकत बहुत बड़ी होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं।
हम तो वो लोग हैं जो गांव गांव जाकर गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं। और इस वजह से बूथ का बहुत मजबूत होना बहुत स्वाभाविक है। मुझे याद है कि अगर ये बूथ कमेटी नहीं होती तो शायद ही कभी उज्ज्वला योजना का विचार ही नहीं आता। साथियों, ये आपकी निरंतर कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि गांव से कार्यकर्ताओं ने मुझे उज्ज्वला गैस योजना के विषय में समझाया, बाद में वो नीति बन गई और गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंच गया। साथियों, भाजपा की बूथ कमेटी की पहचान सेवा से होनी चाहिए। बूथ के अंदर रोज आंदोलन संभव नहीं है, तू तू मैं संभव नहीं है। और इसके लिए बूथ की अंदर भाजपा की पहचान सेवाधारी की होनी चाहिए, सेवा भाव की होनी चाहिए। और इसके लिए छोटे छोटे समझे जाने वाले काम जो लोगों को बहुत छोटे लगते हैं लेकिन बहुत उपयोगी होते हैं। अब जैसे गांव में कहीं न कहीं तो आपको बैठने की वो जगह होगी, किसी पेड़ के नीचे बैठते होंगे, किसी चाय के ठेले के पास जाके बैठते होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि सुबह अखबार पढ़ लिए, शाम को दोपहर के बाद वहां जाएंगे, एक खटिया में सारे अखबार लगा देंगे और गांव वालों जिसको भी अखबार पढ़ना होगा वहां आएगा, बैठेगा, अखबार पढ़ेगा, देश और दुनिया की बात करेगा। आपने तो अखबार पढ़ लिया था लेकिन वो अखबार अब पूरे बूथ के लोगों के काम आ रहा है। देखिए, कोई खर्चा नहीं, वो आपको आपका नेता मानने लग जाएगा कि नहीं मानने लग जाएगा। कभी कभी हम अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, भारत सरकार की एडवर्टाइजमेंट आती है, राज्य सरकार की एडवर्टाइजमेंट आती है, अपने पार्टी के नेताओं की तस्वीर उसमें होती है। क्या हम एक नियम बना सकते हैं कि अपने बूथ के अंदर एक जगह फिक्स करें और अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसको उस दिन काट करके उसको एक बड़ा बोर्ड बना करके वहां लटका दें। आपके बूथ के लोगों को पता चल जाएगा कि भी आज की खबर कहां है, उस पेड़ के नीचे वो लटकता है ना, चलो वहां चले जाते हैं, देख लेते हैं। बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं बूथ के अंदर, आप हर दिन एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दो, आज भाजपा की जो अच्छी खबरें हैं, देश की अच्छी खबरें हैं, वो ब्लैक बोर्ड में देख लीजिए। बूथ के लोग आएंगे जाएंगे जरूर पढ़ेंगे। मैंने एक कार्यकर्ता देखा, वो फर्स्ट एड बॉक्स अपने यहां रखता था, वो फर्स्ट एड बॉक्स के कारण उस इलाके के सारे लोग उसके घर आते जाते रहते थे। इससे गांव के लोगों में विश्वास बढ़ेगा कि अगर कोई समस्या हुई, कोई उपचार करवाना है तो वो भाजपा के अपने भाई है ना, उसके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है, चलो भाई पहुंच जाते हैं।